संसद में पार्लियामेंट सेशन के दौरान चार लोगों ने जिस तरह से हरकत की, जिस तरह से हिमाकत की, दो लोगों ने अंदर जाकर स्प्रे फेंका और वहां पर छलांग लगाई थी, उस मामले में आज चारों आरोपियों को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया था। पटियाला हाउस कोर्ट के अंदर उनकी तरफ से दलील दी गई थी दिल्ली पुलिस की तरफ से कि इन सभी के लिए जिस तरह की इन्होंने हरकत की है वो काफ़ी सदन की गरिमा को ठेस पहुँचाई है। साथ ही पैम्पलेट फेंककर कुछ जताना चाहते थे किसी संगठन से, तो इन लोगों की भूमिका नहीं है। इस पूरे मामले पर अभी इन्हें मैसूर के अलावा लखनऊ और मुंबई की तरफ लेकर जाना है, क्योंकि लखनऊ से ये बताया जा रहा है कि इन्होंने दो जोड़ी जूते भी वहाँ से खरीदे थे और उन्हीं जूतों में को खास तौर से जो स्प्रे कलर था उसको छुपाने के लिए इनकी कोशिश थी। और ये इसके अलावा कई ऐसे राज हैं जिनसे इनसे पूछताछ कर रही है और इसी को लेकर 15 दिन की रिमांड कोर्ट से मांगी गई थी और कोर्ट की तरफ से 7 दिन की रिमांड दी गई है। कोर्ट की तरफ से ये दलील दी गई थी कि 7 दिन की रिमांड में आप इन्हें जहां पर ले आ सकते हैं, पूछताछ कर सकते हैं, जबकि दिल्ली पुलिस की तरफ से ये कहा गया था उनके वकील के जरिए कि मैसूर भी ले आना पड़ सकता है और लखनऊ, उसके अलावा मुंबई, क्योंकि सब अलग अलग दिशाओं में है और क्योंकि आरोपी जो है अलग अलग दिशाओं के हैं। हिसार की तरफ नीलम थी, उसके अलावा जो लखनऊ में है वो सागर था और उसके अलावा जो कर्नाटक का मनोरंजन डी था, ये सभी लोग अलग अलग दिशाओं के हैं, अलग अलग राज्यों के थे और इसमें समय लग सकता है क्योंकि पूछताछ में कई सारी डिटेल्स निकालनी है। कॉल डिटेल के अलावा जो डॉक्यूमेंटेशंस हैं वो निकालने हैं, वेरिफिकेशन करना है कि किसी संगठन से तो नहीं मिले थे, क्योंकि जिस तरह की घटना हुई है ये एक आतंकी संगठन से रिलेटेड भूमिका इस तरह की मानी जा सकती है और इसके पीछे का असली सच यहां पर जानना है और इसी को लेकर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की तरफ से कोर्ट के सम्मुख ये सारी चीज़ें रखी गई थी कि इन सभी की रिमांड तकरीबन 15 दिन की दी जाए और 15 दिन में उन्हें कई जगह लेकर जाना है, पूछताछ करनी है, क्योंकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि इनकी वजह क्या थी, क्योंकि शुरुआती दौर में इन्होंने जो सूत्र बता रहे हैं कि पूछताछ में ये बताया था कि वो बेरोजगार हैं और बेरोजगारी की अपनी मांग को उठाना चाहते थे, रोजगार के लिए अपनी आवाज़ को उठाना चाहते थे, लेकिन संसद का जो सत्र था उस दौरान वो अपना ध्यान वहाँ लोगों का ध्यान खींचना चाहते थे और जिस वक्त ये पूरा घटनाक्रम हुआ था संसद के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर दोनों लोग घुसे थे, तो उस वक्त देश के प्रधानमंत्री उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं थे और उसके अलावा जितने भी वहाँ पर गणमान्य सांसद थे उन सबके ऊपर हमले की आशंका थी और इसी वजह से ये यूपीए की धारा को लगाया गया है, क्योंकि जिस तरह से आतंकी घटनाओं, गतिविधियों में और घटनाओं में, आतंकी घटनाओं में इस धारा को लगाया जाता है, वही धारा इन चारों के ऊपर लगाई गई है। और इसी पूरे मामले को देखते हुए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की तरफ से उनके वकील अतुल श्रीवास्तव ने ये कोर्ट के सम्मुख दिया था कि उन्हें 15 दिन की रिमांड चाहिए ताकि इनसे पूरी तरह से फौरी तौर पर पूछताछ हो सके, इनको ले जाया जा सके, क्योंकि इन्हें कई जगह लेकर भी जाना है, कई डॉक्यूमेंट और दस्तावेज जो है वो हासिल करने हैं और इसी वजह से इनको लेकर 15 दिन की रिमांड चाहिए। लेकिन कोर्ट ने कहा कि 7 दिन की रिमांड दी जाती है, 7 दिन में आपको जो पूछना है, आप जो जहाँ लेकर जाना है आप अपने तरीके से इनसे पूछिए, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उसे आगे बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से अब तक का पूरा सिक्वेंस आया है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी भी इसमें कुछ गिरफ्तारियां और होनी है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जिस शख्स के घर में गुरुग्राम में विक्की उर्फ विशाल नाम का जो युवक था जिसके घर में ये लोग वहां रहे थे और उसी जगह पर मीटिंग की गई थी, मीटिंग करने के अलावा कई सारी चीज़ें थी, क्योंकि नेटवर्क इन्होंने काफ़ी पहले से बनाया हुआ था, कई तकरीबन 1.5 साल पहले मिले थे, उसके बाद 9 महीने पहले इन्होंने पूरी प्लानिंग की थी कि कैसे संसद के अंदर अपनी जो घटनाक्रम को अंजाम देने की साजिश को रचा गया था। लेकिन ये यहाँ पर पता लगाना है दिल्ली पुलिस की जो काउंटर इंटेलिजेंस सेल है वो ये पूछताछ करना चाहती है कि आखिर इसके पीछे कौन लोग हैं, किसकी ये पूरी साजिश थी, क्योंकि इसके पीछे कई लोग हो सकते हैं, आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के किसी संगठन के साथ ही जुड़े हो सकते हैं। ऐसी यहां पर जो जानकारियां जुटाने की कोशिश है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल करेगी और इसीलिए वो चाहती थी कि तकरीबन 15 दिन जो है उन्हें कस्टडी के मिल जाए और उसमें वो फौरी तौर पर पूरी पूछताछ कर सके, लेकिन फिलहाल 7 दिन का वक्त उन्हें मिला है और 7 दिन में ही उन्हें ये सारी जानकारियां जुटानी होंगी, क्योंकि अगर वक्त रहते और समय लगेगा तो कोर्ट से वो आगे इस बेल को, जो इस कस्टडी है उसको आगे बढ़ा सके और इसी वजह से पुलिस कोशिश करेगी कि अगले 7 दिन के बाद फिर उनकी कस्टडी को बढ़ाया जा सके और उनसे पूछताछ की जा सके, क्योंकि अब तक की बड़ी खबर यही है कि इस पूरे केस में जितने भी चारों आरोपी अब तक गिरफ्तार हुए हैं उन्हें 7 दिन की पुलिस कस्टडी में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को सौंपा गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कोर्ट में दलील दी थी कि इन लोगों ने जिस तरह से पॉम्पलेट या फिर दूसरी चीज़ें जुटाई थी और उन सबको कहाँ कहाँ से जुटाया गया था इसके बारे में जानकारी जुटानी है। 2 जोड़ी जूते जिनके जरिए ये लोग इसमें जो स्प्रे केमिकल था उसको लेकर आए थे, क्योंकि जो कलरफुल
कलरफुल स्प्रे था उसको लेकर ये अंदर घुसे थे। उसके मामले में जो जूते खरीदे गए थे वो लखनऊ से दो जोड़ी जूते खरीदे गए थे, कुछ चीज़ें दूसरी अलग जगह से खरीदी गई थी। तो इन सबको देखकर अभी इस पूरे मामले की तफ्तीश में समय चाहिए और इसीलिए इनसे 15 दिन की रिमांड जरूरी है। तो कुल मिलाकर अब कोर्ट ने ये कहा है कि इस पूरे मामले में 7 दिन की रिमांड दी जाती है और अब चारों आरोपियों से स्पेशल सेल की टीमें पूछताछ करेंगी, उनके बारे में पूरी जानकारी जुटाएगी, उसके साथ ही उनके जो मोबाइल फोन्स अभी भी लापता हैं उनको बरामद करने की कोशिश करेगी, उनका जो साथी है उसको भी गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। तो कुल मिलाकर ये कहा जाएगा कि इन 7 दिनों में दिल्ली पुलिस जहां जहां जाएगी और इन आरोपियों को लेकर वहां पर वो पूछताछ के लिए लेकर जाएगी।